हेलो जी, राम राम। स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। अभी मैं लेट रही थी, थोड़ा आराम करने लग रही थी, सोचा व्लॉग की शुरुआत कर लूँ और ना क्या ही हूँ, सिर धो के आई हूँ, सिर भी सूख जाएगा इतने इतने में। थोड़ी देर आराम कर लूँगी, फिर चाय का टाइम हो जाएगा। आँख मेरी लाल होगी, ना क्या हूँ, आँख लाल हो जाए मेरी। और आपने भी दिखाऊँ नहीं की बात, शर्म आवे। थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर चाय पीऊंगी, फिर सूट काटूंगी। जो कटिंग का था, काटा था सुबह, वह मैंने सिल लिया। थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपने कौन सा सिल लिया। और आप बताओ, आप सब क्या कर रहे हो, कैसे हो? गर्मी कहाँ कहाँ कितनी है, कहाँ बारिश हुई है? और किसके यहाँ सबसे ज्यादा आंधी आ रही है? आज तो सुबह बहुत तेज आंधी सी चल रही थी, और बाकी धूप भी चली गई थोड़ा। हाँ, शाम के टाइम रोज बादल सा हो जाए है, पर बारिश पता नहीं कित करके चले जा है। और आज मैंने तड़के तेल लगाए थो भर भर के, एक थोड़ा सा सिर में पानी गिर के आई हूँ। गर्मी में जल्दी जल्दी पानी गिरना ही ठीक रहे, सिर में एक तो चिपचिपाट हो गया है। और अभी मैं चली मंजू की साइड। मंजू 2-3 दिन हो गया बीमार है, जाए तो ना आ रही। काल में जानना पाई, सोचे आज मिला हूँ। और उसके सिर में ज़्यादा प्रॉब्लम रहा करे, या फिर पेट में भी कई बार दिक्कत हो जाया करे, जाए तो वह बीमार सी रवे। और ये ब्लाउज है जो किसी का देना है उसी साइड, तो ये भी मैं ले आई, सोचा दे दूंगी जाती 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 के मंजू के नीचे घर है, उनका ही देना है, तो उसने ब्लाउज पकड़ा दूंगी। और थोड़ी देर बैठाऊंगी, हाल चाल पूछाऊंगी। और सड़क तो आज बहुत जोर का पानी भरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। ये देखो मंजू और की सड़क पे पूरी पे पानी पानी भरा है, या तो कोई सीवर खराब होया है या कोई मोटर चलती रहेगी। इधर से जाना पड़ेगा, सड़क को छोड़ के पार्किंग से जाना पड़ेगा। और मैं आई हूँ बिना बताए, पता नहीं घर पे मिलेगी, कहीं दवाई लेने चली गई हो। चलो देखते हैं, अगर नहीं मिली तो वापस आ जाएंगे घूम के, मिल गई तो ठीक है। पूरी सड़क पे पानी है, पानी हो रहा है। और अब मैं सीढ़ियों से जाऊंगी ऊपर, क्योंकि मंजूर का ऊपर है दूसरी मंजिल पर। और पार्क में पूरा भीड़, बच्चे खेल रहे हैं। इनके यहाँ से बिल्कुल पार्क नजर आता है सारा, बच्चे बच्चे जो भी घूम रहा है खेल रहा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते, की हाल चाल है? ठीक सर, होगी तेरी तबीयत ठीक? सो थी है? कपड़े सुखाए हैं, कपड़े सुखाए। ये कौन सा टाइम का दो है? चली गई सुबह रे, और मैं सोची फोन करके ना आई, मेरे ना पाओगी ना पाओगी है। तो मैं गाइस ने बताती आऊं थी, मखो मंजू की तबीयत खराब है, बता सब नहीं किसी से तेरी तबीयत ठीक है? टेस्ट करवा के आई हूं, आज तक रिपोर्ट आऊंगी। पेट में प्रॉब्लम हो रही है, पैर पेट में तेरा दुख का होता पूरा पैर में। अच्छा चलो हो जाएगी ठीक। फिर कल मैं ना आ पाई, मैं वाले गई पटेल नगर में।
के नाम से उसको जिंदर 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 लेगी। फिर मैं सची ले आज जाया हूँ ना तो मंजुन्यू कहेगी देख ले आई हो तो कती भी है आई। फिर ये था को नहीं कोई सा भी गरी आज फिर काम नो पड़े तो फैल लो सारो। फिर धीरे धीरे दो तीन तीन बजे तक बैठ बैठ के नहीं करे क्यों ना आई पुचाली ना आई वहाँ तो आई थी। फिर बर्तन दो एक बार ये चादर चुदर झड़काई बिछाई बर्तन हो दर्द वाली हूँ कौन दो आए मैं खाद साबुन छोड़ गया तो फिर दोबारी मन में धोना करे तो वाली मिस करूँगी जब अस्तर लेना और फिर बुकरम भी खत्म हो गई फिर लैस भी बहुत घनी लगवा सारे दिन लैस भी जब खत्म हो जाए मेरी कुर्ती बना दे तो मैंने दो दिन हो गया सोचती अस्तर वाला सूट रह रहा है अस्तर ले आवा जान कोई टाइम ना लगे। एक तो जी गर्मी इतनी गर्मी के कारण एक तो जानने जी ना करे और फिर तड़के ही सोचू शाम न जाइए शाम न सोचू सुबह जाइए यूं करके लकड़े ना जा तो शाम नहीं चली जा ऐसा छोरा नहीं लेके सकुट्टी पर आज तो और सूट काटूंगी कई यार काटूंगी इनर ले आऊं इनर का ही काटूंगी कई है ना और इनर ले आऊंगी और दोंगी निरो टाइम लागो आज तो ले आऊं तो ठीक रहे एक आधी सब्जी भी ले आऊं कितना बच रहे थे सूट सूट टाइम है तो बच जाए सिमो आओगी के तुम मैं तो देखी है लेकिन साथी लाग के सिमो आन दियो तो बता के सिमो साथी लाग और वारा कटा का भी सब और गणा इकट्ठा हो रहे हैं तीन चार आज आ गया चार पांच काल आया था रोज कटा ही होता आज पांच छह कई काटूंगे आज टेलर ने दूंगी ओ काट के सिलवा दी दी पैसा तू बना दी तूने गटर बेल्ट बोल दी ए क्या बात है क्या पैसा तो नहीं बनाना सुतरा अच्छा तेरा जैसा तो नहीं बनी पैसा मेरे पैसा तो मैं बना दूंगी और बाकी जोड़ देगी सारी और बाकी जोड़ दूंगी फिर तो पास होगी शुरुआत मंजू ने नई ओड़ी सफेद आली कच्ची सुनाई को नहीं पतावली तावली फिर तो बता तू पाई चाबी बना लेगी डिजाइन साल लगाई और उसके नीचे दियो और वो डिजाइन सुसुम वहां पे चली जाएगी उसने लानी थोड़ी ना फिर न्यू अच्छा वो नू धर के नू सीधी है उस पे तो जो से भी बखियो करनो है ना वो ही बटन पर ला ले फिर ये सीधी सीधी चलाई जाओ आप पे हो गई डी टी टी ले आओ तो सुन पहले न्यू गया भाई चला के देखा दो तीन सलवार सीम के देखा हमारे जची तो ले आऊंगा आई सुतरी बना रखी है जमाए देखे राधा की रानी की कृष्ण की ड्रेस है ए न्यू बंदा जाएगी गलते या चेपी सी लगा रखी और आगे तो न्यू पैरी जा गया दे लैस भी लगाई है इसके तो ये न्यू पैरी जांगी ये देखिए भी आते बनाई से यह भी आते बनाई है बची हुई कत्तर की या पट्टी सी यहाँ को आ जाएगी फिर पीछा तो बंद हो जाएगी है ना फिर हल्की सी मायर दे प्रेस हो जाएगी सीधी जारजट से या तो कई ये बनवा ली तन तो मन तो ये छोटी छोटी सुतरी लग गई जमाई न्यू बंद होगी जितो ये तो नहीं को जाएंगी कृष्ण की वैसे छोड़ दी या भी कृष्ण की या राधा की और ये चप्पी सी न्यू लगा दी न्यू फोल्ड होके उरे और यह न्यू बंद हो जाएगी न्यू बंद जाएगी पीछे तो आगा तो उरा तो पहनी जाओगी हो एक ड्रेस या बन जाएगी इसमें है एक या बनेगी
ये तो गाणी बन गई तेरी राधा कृष्ण की ड्रेस को और कोई सुन सूट आवे ना कहीं को कतर बचाऊं दे दी ले पोके आया पिटवा होएगी मने कतर लगो के दर दिए न्यू कस कोई नहीं और कह देगी तुझे तुम्हारा रूटा मात कतर काटा से हमारा सूट छोटा कर है सर तुम मरवा दे नहीं सूट क्यों छोटा करा और तो बच जाए जल्दी वाह तुम कपूर हो ये पीछे इव कृष्ण की रद्दा ड्रेस तो बनानी है पढ़े निकालूं भी तो पैर आ फेरे और गाय का दूध पी रहा है बछड़ा ये मुकुट बाल मुकुट गर्मी लगा जाए तो तार के दर रखा है कि ये और फिर तार दे हो ले न्यू लाग जा गयो मुकुट ये और भी सुतरा लग गया है ये तो उड़ा गया राधा ने राधा का सुतरी लग गई से करना का आज आई इसने भरा दू थोड़ा आज चेंज करके देख लेंगा यू क्यों कराओगे बाने बाना पड़े टाइप हो इन तरीके अच्छे बाना मैं तो मगर आर्स है दे वे कानू आज आज रात डाला पैर ले अच्छे न्यू लाग जागो तन्ना आदत पड़ रही है मन्ने ना भेरो इनको और बिस्तर बनाया था वह रे मनु यो पालन उसके तर कृष्ण को या चादर मन बनाई थी या इसकी ओढ़न की बनाई थी या कृष्ण जी की बांसुरी रखी है और या इसकी मच्छरदानी लगा के यो इसका छोटा तकियार इसमें सुआ दी पूरा बंद करके ताकि मच्छर भी ना खाऊं या तो सही आ गई तने तो पूरा अंदाजो लगा रखे तो इतनी बना दे हैं सही आई है दे लेने की और या ओढ़न की रे हैं और ये मैंने रसोई का थोड़ा काम समेटा है बर्तन वर्तन धोने धोए हैं कान का बाला कुकर हो गया मेरा और आज जो मैंने कपड़े सिले वो कपड़े दिखा दूं आप सबने कई दिन हो गए दिखाए हुए आज गर्मी बहुत कसूती हो रही है पूछो मत पूछना ही नहीं गर्मी का तो इतनी गर्मी हो रही है और ना एक या सलवार बनाई है मैंने आज इसकी मैंने वीडियो भी डाली है अफगानी सलवार बेल्ट वाली और पॉकेट किधर गई यार पॉकेट वाली और नीचे से सिंपल रखी है तो ये वाली सलवार की वीडियो आपको मिल जाएगी न्यू नेहा बुटीक पर पहले मैंने एक टीचर की बनाई थी तो आप सब ने कमेंट करा था कि इस सलवार की भी वीडियो बनाओ ये अफगानी है वैसे ऊपर से थोड़ी पेंट टाइप में है तो इसकी वीडियो मिल जाएगी और ये आसन है ना इतना लंबा इसलिए छोड़ा है ताकि यहाँ पे आप खिंचाव में नहीं आएगी बिल्कुल भी ये मेरा खुद का दिमाग है इसमें ये अफगानी सलवार बनी है एक ये मैंने बंदेज का सूट बना दिया जोड़ तोड़ लगा के नहीं मैंने छोड़ा नहीं वह मानिए को नहीं मेरी बहन न्यूली बना दे जिसका भी था ने न्यूली बना दे क्यों करे बना दे तो बाजू का बीचों बीच भी जोड़ लग गया है आगत है या लैस लगा दी बाजू की मोरी पर और आगे पीछे इसका यो गड़ा पे कलर दे रखा है येलो कलर तो ये बीचों बीच कटिंग करना पड़ा दोनों साइड से जाए तो बाजू में जोड़ लग गया और नीचा तो इसका घेरा इतना है और नीचे मैंने इसका ने कपड़ा लगा के फोल्ड कराया इसमें बहुत घने जोड़ जाड़ लगाया जब जाके सूट पूरा होया है इतना कपड़ा कम था इसमें नीचे पट्टी और लगी बाजू में जोड़ लग गया कमीज में तो ये सारे काम हुए और सलवार बिल्कुल सिंपल सीधी बनी है बेल्ट बल्कि बेल्ट में इतने टुकड़े जोड़ जोड़ के बेल्ट बनाई है मैंने कमीज में तो कोई कपड़ा कमीज में तो बचा कोई सलवार का टुकड़ा बचा सारा जोड़ जाड़ के सलवार बना दिया और सलवार में लगाया है इनर गणा पतला कपड़ा लागू था यो कपड़ा कमीज में तो बचा
यो सलवार का टुकड़ा बचा न्यू करके आपने सलवार बनाई है। सलवार ठीक बन गई, सिंपल सलवार सही है, गर्मी में सही पहरी जाओगी। और नीचे पोंचा पर लैस लगा दी, आजकल यह लैस लगी हुई अच्छी लग है, पोंचा पर सुंदर लग है डिजाइन। तो यह सिंपल स्ट्रेट सलवार बना दी और इसने न सीधी मोड़ के सीधी काट के नर इसमें मैनी डाली है, इतनी इतनी मैंने डली है दोनों साइड, दो मानी पीछे दो आगे। तो अभी ऐसे ही सूट पहन वाला बन गया, नहीं वैसे ही पड़ा रहता, फिर भी सही बनेगी ना सलवार। तो ये काम करा है और ईद मैं सूट काटूंगी, 4-5 सूट काटूंगी आज, जो जाके कितने काम चल रहा है वही निकालूंगी, जोर सा सूट कई दिन का और रहने वह काटूंगी, 5 सूट पक्का काटूंगी। और बच गया 9 रसोई का काम कंप्लीट हो गया, रोटी खानी रह रही है। और अभी हमने इतने सारे सूट कटिंग कर लिए, 1, 2, 3, 4 सूट कटिंग कर लिए और एक पेंट रह गई, इसका प्रेस को नहीं हुई है, इसने प्रेस करके सुबह काटूंगी। इ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम हो गया 11:30। अभी मैं दही जमाऊंगी, दूध भी ठंडा हो गया होगा, गर्म करके रखा था दही जमाने खातर। थोड़े से बादाम भी गोऊंगी और फिर सोऊंगी, फिर ही पता मैं वीडियो एडिट करूंगी। अभी तो मेरे को टाइम लगेगा, टाइम। और एक सिस्टर ने सवाल कर रखा था कमीज की लेंथ बढ़ानी है, तो कमीज की लेंथ बढ़ानी है तो या तो पाइपिंग निकाल के बढ़ा दें, या फिर लेस लगा दें, या फिर नीचे बॉर्डर बना दें, उसमें पिन टैक्स डाल दें बारीक बारीक, या फिर उस पर सिलाइयाँ लगा दें। बहुत सारे तरीके हैं लेंथ बढ़ाने के, तो किसी भी प्रकार से लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो गाइज व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।